आज हम पढ़ने वाले हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल, द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच अ ड्रग, फ्लूड, पॉइजन और सब्सटेंस इज ब्रॉट इनटू द कॉन्टैक्ट विद बॉडी। मतलब ये कह रहा है कि जो ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब वो एक पाथ या एक जरिया या एक रास्ता होता है जिसके जरिए हम चाहे ड्रग हो, चाहे फ्लूड हो, चाहे पॉइजन हो, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, उसको हम ह्यूमन बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाते हैं या ह्यूमन बॉडी में देते हैं। सेकंड कह रहा था, चॉइस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिपेंड ऑन द ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। मतलब ये कह रहा है कि हम कौन सा रूट सेलेक्ट करेंगे पेशेंट को ड्रग देने के लिए, वो इन दोनों के फैक्टर को रिलेट करता है, ड्रग और पेशेंट को। मतलब पेशेंट की हालत कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ड्रग देते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कहीं कहीं किसी बुक में आपको क्लासिफिकेशन किसी और टाइप से देखने को मिलेगा, या इसीलिए हमने यहाँ दोनों टाइप के क्लासिफिकेशन को दिखाया है जो कि अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो चलिए पहला देख लेते हैं। ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक लोकल रूट, दूसरा सिस्टेमिक रूट। तो लोकल रूट, हम इसको लोकल रूट के लिए इसलिए कैटेगरी में रखा गया है, मतलब कि जो ड्रग हमारे लोकल एक्शन शो करते हैं बॉडी में उनको लोकल रूट में रखा गया है, और जो ड्रग कहीं ना कहीं सिस्टेमिक सर्कुलेशन से होकर बॉडी में एक्शन शो करते हैं उनको सिस्टेमिक रूट में रखा गया है। तो लोकल रूट में देखते हैं क्या क्या आता है। टॉपिकल, डीपर टिशू। डीपर टिशू को फर्दर सब डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में है, एक इंट्रा आर्टिकुलर जो कि साइनोवियल फ्लूड में दिया जाता है, और दूसरा है इंट्राथिकल जो कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है आर्टेरियल सप्लाई जो कि आर्टरीज में दिया जाता है। फिर सिस्टेमिक रूट की बात कर लेते हैं। सिस्टेमिक रूट को फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, पहला एंट्रल, दूसरा पैरेंट्रल, फिर अदर्स। एंट्रल में देखते हैं क्या होता है, ये ओरल है, बक्कल और सब लिंगुअल, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, देख लीजिएगा। दूसरा पैरेंट्रल, पैरेंट्रल में आता है इंट्राडर्मल जो कि आईडी उसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसको स्किन में देते हैं। दूसरा है सबक्यूटेनियस जिसको SC भी कहते हैं, इसको स्केलेटन मसल्स में दिया जाता है। तीसरा है इंट्रा मस्कुलर जो कि स्केलेटन मसल में दिया जाता है, और चौथा है इंट्रावेनस जो कि वेंस में दिया जाता है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा सब क्यूटेनियस को फर्दर तीन पॉइंट में दिखाया गया है, मतलब कि सब क्यूटेनियस के तीन पार्ट हैं, जिसको पहला है जिसमें डर्मोजेट, सेकेंड है पैलेट इम्प्लांटेशन, तीसरा है सेलेस्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। फिर अगला देखते हैं अदर्स, इसमें क्या है, इनहेलेशन, इंट्रानजल और रेक्टल, इसके बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये दूसरे तरह का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको किसी न किसी बुक में कहीं इस तरह के को देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, जो आपको समझ में आया लिखिए, दोनों आंसर आपका सही होगा। चलिए अब ओरल रूट देख लेते हैं क्या होता है, कि द ड्रग दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय माउथ एंड पास थ्रू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज कम अंडर द ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या कह रहा है कि जो ड्रग हम माउथ के थ्रू लेते हैं और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के माध्यम से ये बॉडी में एक्शन शो करता है, उसको ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में रखते हैं। इसके एग्जांपल है टैबलेट, कैप्सूल, स्नैप्सूल्स। ड्रग इज मोल्ड टैबलेट्स। लिक्विड एग्जांपल है सिरप, इमल्सन, सस्पेंशन, एग्जेंट, मिक्सचर। एडवांटेज देख लेते हैं, ये सेफ होता है, कन्वीनियंट होता है, पेनलेस होता है, चीपर होता है, लेस टॉक्सिक होता है, और नो नीड असिस्टेंट, इसमें किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती, मतलब हम स्वयं अकेले इसको खा सकते हैं। नो नीड मोर स्टेलाइजेशन, इसमें एक्स्ट्रा स्टेलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज इसका है स्लो एक्शन, कांट बी यूज इन अनकॉन्सियस, अनकॉर्पोरेटिव एंड वोमिटिंग पेशेंट, मतलब इस टाइप के पेशेंट पे हम ड्रग को दे नहीं सकते ओरल रूट के थ्रू। तीसरा है सम ड्रग आर डिस्ट्रॉयड बाई गैस्ट्रिक जूस। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिएगा कि इसमें क्या कह रहा है, कि कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस और लीवर जूस में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्शन शो नहीं कर पाते हैं। इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन जी और इंसुलिन, ये हमारे गैस्ट्रिक जूस में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन एंड लिडोकेन जो कि हमारे लीवर जूस में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगला डिसएडवांटेज इसका है मेक ऑज नोजिया एंड वोमिटिंग, इसका मतलब ये कि हम इस ड्रग को खाने के बाद हमें उल्टी भी हो सकती है और मचलन भी आती है। अगला सबलिंगुअल, जिसको बक्कल भी कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं। इन दिस मेथड द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग और क्रश इन द माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बक्कल म्यूकोसा। इसमें ये कह रहा है कि इस रूट में हम ड्रग को अपने जीभ के नीचे रखते हैं, या तो मुँह में रख के उसको फोड़ के अच्छे से चबा के निकल जाते हैं। इसका एक और पॉइंट देख लेते हैं, ओनली लिपिड सॉल्युबल एंड नॉट इरिटेबल ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड। मतलब ये कह रहा है कि इसमें केवल और केवल लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही दिए जाएंगे,
इसमें अगर आप कह सकते हैं कि वाटर सोल्युबल ड्रग को हम सबलिंगुअल दे सकते हैं कि नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, हम सबलिंगुअल नहीं दे सकते हैं। चलिए एडवांटेज देख लेते हैं। इसका रैपिड एक्शन होता है, जीआईटी बाईपास, नो जीआईटी इरिटेशन एंड ड्रग स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको डिफिनेशन में बताया कि वाटर सोल्युबल ड्रग को हम नहीं दे सकते सबलिंगुअल रूट से। अगला है लिमिटेड बायोबिलिटी, इसकी बायोबिलिटी भी लिमिटेड होती है। ये इनकन्वीनियंट होता है देने में और अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ सब ड्रग, कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जिनका टेस्ट अनप्लीजेंट होता है जिसकी वजह से हम इसको सबलिंगुअली नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट क्या कहता है, तो पहले पेरेंट्रल का मतलब जान लेते हैं। पेरेंट्रल जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पार और दूसरा एंट्रल। पार मतलब होता है बियॉन्ड और एंट्रल मतलब होता है इंटेस्टाइन, मतलब ऐसे ड्रग जो बियॉन्ड द इंटेस्टाइनल वर्क करते हैं, मतलब कि जो इंटेस्टाइनल में ना जाके डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग जाते हैं, उसको हम पेरेंट्रल की कैटेगरी में रखते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस मेथड द ड्रग इज डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड इनटू द ब्लड टिश्यू और फ्लूइड बाय इंजेक्शन, पार्शली सबक्यूटेनियस, ब्रैकेट में देख लेंगे आप, देखने को मिलेगा, इसका मतलब हम आगे बताएंगे। आगे कह रहा है एंड इट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। पेरेंट्रल का मतलब यही है कि इस मेथड में हम ड्रग को डायरेक्टली या तो ब्लड में या तो टिश्यू में या तो फ्लूइड में किसी इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी अवॉइड करता है। जो पार्सली सबक्यूटेनियस है यहाँ, इसका मतलब ये है कि सबक्यूटेनियस के वो जो सब पार्ट थे उनमें हम नीडल यानी इंजेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, बाकी सब में इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज देख लीजिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि ये जो पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितनी कैटेगरी आई थी उन सभी में अगर आप ये दोनों एडवांटेज लिखेंगे तो सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये सब आपका सही होगा। अगर आप बाई चांस कभी भूल जाते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं, तो आंसर सही हो जाएगा। एडवांटेज क्या है, गिव टू अनकॉन्सियस वोमिटिंग एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट। सेकेंड है रैपिड एक्शन, नो फूड इंट्रैक्शन एंड लीवर बाईपास। डिसएडवांटेज क्या है, पेनफुल होता है, कॉस्टली होता है, इसमें मोर स्टरलाइजेशन की आवश्यकता होती है, और ये एज कम्पेयर टू ओरल डोज मोर टॉक्सिक होता है। और चौथा पॉइंट जो है, नीड अ ट्रेन पर्सन, मतलब बस यही जो आपका डिसएडवांटेज है, ये बाकी आप पेरेंट्रल में नहीं लिख सकते, बाकी सब लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि नीड अ ट्रेन पर्सन, बाकी सभी पेरेंट्रल रूट में आपको एक ट्रेन पर्सन यानी जैसे डॉक्टर ट्रेन होता है, फार्मासिस्ट ट्रेंड होता है, तो वो आपको इंजेक्शन दे सकते हैं, बाकी आम इंसान आपको इंजेक्शन नहीं दे सकता। लेकिन सब क्यूटेनियस के मामले में ये होता है कि उसकी नीडल कुछ इस तरह की उसकी बनावट होती है कि उसको कोई भी आम इंसान दे सकता है। इंट्रावेनस की बात कर लेते हैं, इंट्रावेनस रूट क्या कह रहा है, इन दिस मेथड द ड्रग इज डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड इन टू द वेंस बाय यूजिंग स्टेराइड नीडल और ट्यूब, जिसको आईवी कैथेटर भी कहते हैं। इसमें कह रहा है कि जो ड्रग होते हैं वो डायरेक्टली हमारे वेंस में दिए जाते हैं, वो भी स्टेराइल नीडल के माध्यम से। अगला पॉइंट कह रहा है द ड्रग इज इंजेक्टेड इन टू द रनिंग वेज वेंस एंड ओनली एक्वस सोल्यूशन टू बी इंजेक्टेड थ्रू दी आईवी। ये कह रहा है कि इसमें हम केवल और केवल एक्वस सोल्यूशन को ही, वो भी रनिंग वेंस जो कि हमारे नब्स में ब्लड सर्कुलेशन चलता है उसी में दे सकते हैं, हम सस्पेंशन टाइप का कोई भी इंजेक्शन किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते। इसका एडवांटेज देख लीजिए, 100% बायोबिलिटी होती है, गिव टू अनकॉन्शियस पेशेंट, रैपिड एक्शन, लीवर बाईपास एंड नो फूड इंट्रैक्शन। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, पेनफुल, नीड एन असिस्टेंट, मतलब कि इस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी ना किसी ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होती है हमको इंट्रावेनस के थ्रू ड्रग देने में। नेक्स्ट है मोर टॉक्सिक देन ओरल, एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ओरल डोज, एंड डू नॉट रिकवर एंड कैरी आउट ऑफ द बॉडी, मतलब कि अगर एक बार हम इंट्रावेनस के थ्रू कोई ड्रग दे देते हैं तो हम उसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस क्या है, इन दिस मेथड द ड्रग इज डिपॉजिट आर गिवन इन लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू विच इज रिचली सप्लाइड बाई नर्स। इसमें क्या कह रहा है, इस मेथड में हम ड्रग को लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं जिसमें कि नर्व्स की सप्लाई बहुत अधिक होती है, उसमें हम ड्रग को डायरेक्टली दे देते हैं, और ये सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल। इसका मतलब यही है जो मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी इंसान खुद अपने हाथों से ये इंजेक्शन लगा सकता है सिर्फ और सिर्फ सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस का जो सब पार्ट है उसको देख लीजिए, डर्मोजेट। इसमें क्या कह रहा है, इन दिस मेथड नीडल इज नॉट यूज एंड अ हाई वेलोसिटी जेट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ माइक्रोफाइन ऑर्फिस यूजिंग अ गन लाइक इम्प्लीमेंट। इसका मतलब है इस मेथड में हम नीडल का यूज़ नहीं करते हैं, एक गन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑपरेटस होता है जो गन लाइक होता है, उसकी मदद से हम ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। अगर याद होगा आपको तो क्रिस 3 में आपने देखा होगा कि ऋतिक रोशन जो है जब अपने ऊपर टेस्ट करता है तो उसी इक्विपमेंट से यूज़ करता है जो कि गन लाइक होता है। पिक्चर आप देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैलेट इम्प्लांटेशन, इन दिस मेथड सॉलिड पैलेट इज इंट्रोड्यूस इन टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ
स्ट्रॉकर एंड कैनुला एंड द ड्रग इज सस्टेन रिलीज ओवर अ वीक एंड मंथ. मतलब कह रहा है इस मेथड में सॉलिड पैलेट्स को हम बॉडी के अंदर या तो ट्रॉकर या फिर कैनुला की मदद से इंसर्ट करा देते हैं और ये जो है धीरे 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 मतलब सस्टेन रिलीज धीरे धीरे रिलीज होता रहता है एक हफ्ते या एक महीने तक और अपना एक्शन शो करता है. इसका एग्जांपल है डेसॉक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन एसीटेट. नेक्स्ट है सेलेस्टिक या बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स. इन दिस मेथड क्रिस्टलाइन ड्रग आर पैक्ड इन ट्यूब और कैप्सूल विच इज मेड विद सुटेबल मटेरियल्स एंड इम्प्लांटेड अंडर द स्किन. स्लो एंड यूनिफॉर्म लीचिंग ऑफ ड्रग अकर ओवर मंथ. इसका भी मतलब लगभग सेम ही है. इस मेथड में हम ड्रग को या तो कैप्सूल या फिर ट्यूब के फॉर्म में किसी सुटेबल मटेरियल से जो मतलब कैप्सूल जो बना होगा वो सुटेबल मटेरियल का बना होगा जो कि बॉडी में या फिर स्किन में जाते ही वो अपने आप डिग्रेड होने लगेगा और धीरे धीरे वहाँ पे अपना एक्शन शो करता रहता है. इसका एग्जांपल है नॉर प्लांट. नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिकल रूट. इन दिस मेथड इज यूज व्हेन अ लोकल इफेक्ट ऑफ ड्रग इज डिजायर्ड एंड ड्रग कैन बी एफिशिएंटली डिलीवर्ड टू द लोकलाइज्ड लेजन आर स्किन सॉरी लोकलाइज लेजन ऑन स्किन नजल म्यूकोसा आइज एंड एयर कैनल. इसमें क्या कह रहा है कि जब हमको किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मान लेते हैं आपके हाथ में कहीं चोट लग गया है पैर में चोट लग गया है तो आप कभी कभी किसी क्रीम ऑइंटमेंट या कोई भी ऐसा ड्रग यूज़ करते हैं जो उसी लेजन के ऊपर यूज़ करते हैं तो इसको टॉपिकल रूट कहते हैं. इसका एक एग्जांपल है क्लोट्रिमाजोल. क्लोट्रिमाजोल जो है डर्मेटोफाइसिस की ट्रीटमेंट में डायरेक्टली स्किन पे ही लगाया जाता है. एग्जांपल देख लीजिए. इसका एडवांटेज क्या है, ये पेनलेस होता है, कन्वीनियंट होता है, नो नीड असिस्टेंट जैसा कि हमने आपको बताया है इसमें असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, सेफ़ होता है और गिव टू अनकॉन्सियस पेशेंट उसको भी दे सकते हैं. डिसएडवांटेज इसका है कि इसका एक्शन स्लो होता है और एक मेन डिसएडवांटेज इसका ये है कि नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग कैंट बी गिवन. मतलब कि जो ड्रग बॉडी में एब्जॉर्बेबल नहीं होते हैं उनको हम टॉपिकल रूट से नहीं दे सकते. नेक्स्ट है इनहेलेशन. इन दिस मेथड द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द माउथ बाय यूजिंग ए स्पेशल इक्विपमेंट. इसमें जैसा कि आपको पता होगा आपने देखा होगा कि अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके पास एक इक्विपमेंट होता है जो कि अपने माउथ में लगाते हैं और प्रेस करते हैं जिसकी वजह मदद से ड्रग उनके बॉडी में चला जाता है तो उसको हम इनहेलेशन मेथड कहते हैं. वो भी और उसका नेचर क्या होता है, ओनली वोलाटाइल लिक्विड एंड गैसेस आर गिवन बाई इनहेलेशन फॉर सिस्टेमिक एक्शन. केवल और केवल वोलाटाइल लिक्विड या फिर गैस को हम इनहेलेशन में देते हैं. इसका एग्जांपल है जनरल एनास्थीसिया. दिस मेथड इज आल्सो प्रोड्यूस इफेक्ट ऑलमोस्ट एज रैपिड एज आईवी इंजेक्शन. ये पॉइंट कह रहा है कि जितनी जल्दी एक आईवी इंजेक्शन से हम रिकवर हो सकते हैं लगभग उतनी ही जल्दी हम इनहेलेशन रूट से भी रिकवर हो सकते हैं. मतलब इसका टाइम ऑफ एक्शन और इंट्रावेनस का टाइम ऑफ एक्शन लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है. एडवांटेज देख लेते हैं, कन्वीनियंट होता है, फास्ट एक्शन होता है, पेनलेस होता है, नो नीड असिस्टेंट. डिसएडवांटेज है ओनली वोलाटाइल लिक्विड एंड गैसेस आर यूज एंड ये कॉस्टली भी होता है और कैन नॉट बी गिवन टू द अनकोऑपरेटिव पेशेंट. नेक्स्ट नजल रूट की बात करते हैं तो इन दिस मेथड द ड्रग इज डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड इन टू नोज एज फ्रॉम ऑफ स्प्रे और नेबुलाइज सॉल्यूशन. इस मेथड में हम ड्रग को डायरेक्टली नोज में देते हैं चाहे वो स्प्रे में फॉर्म में हो या फिर नेबुलाइज सॉल्यूशन के फॉर्म में हो. दूसरा कह रहा है डाइजेस्टिव जूस एंड लीवर आर बाईपास. इसमें भी हम लीवर के थ्रू नहीं देते हैं इसी वजह से लीवर जो है जो डाइजेस्टिव जूस है उसको यह बाईपास कर जाता है. ठीक. तीसरा पॉइंट है द अब्यूज ड्रग कोकिन इज जनरली टेकन बाई इंटरनेशनल रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द ड्रग इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इन रेक्टम एज सपोजिटरी आर रिटेंशन एनिमा फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट. इसमें कह रहा है कि इस मेथड में हम ड्रग को रेक्टम के थ्रू सपोजिटरी या एनिमा फॉर्म में डायरेक्ट सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए दे देते हैं. इसमें हम एनस और वजाइना के थ्रू भी ड्रग देते हैं. सेकेंड पॉइंट है द रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज एडिशनल एडवांटेज टू प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाई इंटेस्टाइनल एंजाइम और बाई लो पीएच इन स्टूम. तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहें. तो दोस्तों अगर आपको बी फार्म से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के बारे में नोट्स या जानकारी चाहिए तो हम कमेंट में ज़रूर बताएँ. जय हिंद.